सर्विसिंग हमें कहाँ करानी चाहिए, जैसे कि कहीं बाहर करानी चाहिए या सर्विस सेंटर जो ऑथराइज्ड है वहाँ पर करूँ, और बाद में मैं बताऊंगा कि इसमें आपको करना क्या चाहिए। अगर पेड सर्विस में भी आप जा रहे हो ऑथराइज सर्विस से, फिर गाड़ी जब वहाँ से आ जाती है तो आपको वॉशिंग के बाद गाड़ी दे देते हैं और आप उसने पेमेंट कर दो जितना। बाकी और जो सर्विसिंग है वो उन्होंने की, पहियों की जो बैलेंसिंग वगैरह अलाइनमेंट वगैरह वो उन्होंने सब किया। तो मेरे सामने गाड़ी ऊपर तैयार हुई है और कोई भी ऐसी क्लीनिंग उन्होंने नहीं की है जो इसमें आपने जोड़ सेंट की। तो वो जीएसटी लगा करके टोटल जो लेबर चार्ज बैठा वो 3,571 रुपए बैठा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं, जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कार से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए मोस्टली जैसे कि देखा होगा आपने, चाहे वो नई गाड़ी कोई लेकर के आता है या पुरानी गाड़ी कोई यूज करता है, तो वो क्या है कि सर्विसिंग का जो मैटर है वो सभी के सामने आता है कि सर्विसिंग हमें कहाँ करानी चाहिए, जैसे कि कहीं बाहर करानी चाहिए या सर्विस सेंटर जो ऑथराइज्ड है वहां पर करानी चाहिए। तो देखिए ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में जब पेड सर्विस होती है, फ्री सर्विस में तो आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्री सर्विस तो आपको कोई चार्ज देना नहीं होता है लेबर चार्ज का। और जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं, तो शुरू में जब न्यू गाड़ी होती है तो पार्ट्स का भी कोई चार्ज, इतने पार्ट्स चेंज नहीं होते हैं, तो देखिए उसमें तो कुछ देखना नहीं होता है। लेकिन जब आपकी गाड़ी पेड सर्विस पे आ जाती है तो आपको एक चीज सोचनी पड़ती है कि क्या मैं इसे बाहर कराऊं या ऑथराइज सेंटर में कराऊं। तो एक तो बाहर आप सर्विसिंग जब कराते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कि पता नहीं हो सकता कैसी करी होगी सर्विस या क्या सिस्टम इनका होगा। देखिए लेबर चार्ज तो उनका कम होता है, नो डाउट, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं तो आपको लेबर चार्ज तो देना पड़ता है पेड सर्विस में, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है आपके पास कि हाँ साहब सर्विस सेंटर में हमने गाड़ी दिखाई है। तो और एक रिकॉर्ड भी चढ़ जाता है, तो उससे पता लगता है कि गाड़ी अप टू डेट चल रही है। तो देखिए इस वीडियो में हम बात बताने वाले हैं कि जैसे आपने बाहर सर्विस करा ली तो उससे रिलेटेड तो मैं इसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन हमने अगर पेड सर्विस कराई है और वो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराई है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि आपको कितना लेबर चार्ज देना पड़ता है और कितने के पार्ट्स आपके चेंज होते हैं, ये सब एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो चीज मैंने फेस की और जो चीज मैंने देखी, तो वो मैं चीज इसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इससे क्या है कि आपको भी एक तरह से नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, कि आप मतलब मेरी वीडियो देख करके आप अवेयर रहेंगे चीजों से। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कभी आप सर्विस पेड कराने जाते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि हमें लेबर चार्ज देना होता है पेड सर्विस में, और पार्ट्स तो बाकी पैसों के ही लगते हैं। तो लेबर चार्ज आपके दिमाग में ये है कि ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, कि 1,000 होंगे, 1,500 होंगे, 1,600 होंगे, तो जो लेबर चार्ज है वो दे देंगे। बाहर भी हमें 1,500 रुपए तो देने ही है। तो ये चीज दिमाग में आपके होकर के आप पेड सर्विस पे चले जाते हो ऑथराइज सर्विस सेंटर में। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको लेबर चार्ज हो सकता है कभी कभी पार्ट्स से ज्यादा भी आपको लेबर चार्ज चुकाना पड़ जाए। तो ये एक एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, और बाद में मैं बताऊंगा कि इसमें आपको करना क्या चाहिए। अगर पेड सर्विस में भी आप जा रहे हो ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो आपको देखिए टेक्निक्स क्या लगानी चाहिए, तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी पहले मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको। तो देखिए एक्चुअल में होगा क्या कि गाड़ी बलेनो जीटा ऑटोमेटिक मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि उसकी जो सर्विसिंग थी वो 2 बार से मैंने सर्विस सेंटर में नहीं कराई, मैंने बाहर सर्विस कर ली थी। तो अब जब मैं सर्विस सेंटर में, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है जो व्हील बैलेंसिंग वगैरह और जो अलाइनमेंट वगैरह होता है वो बाहर एग्जैक्ट नहीं हो पाता, और कुछ गाड़ी भी अप टू डेट हो जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही ये कराई जाए। तो मैं नेक्सा के शोरूम में सर्विस सेंटर पर गया वहां पर, और मैंने अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें इतना अंदाजा नहीं था कि यहाँ की सिस्टम क्या क्या रहता है। तो हम जब जाकर के हमने गाड़ी उन्हें दे दी, उन्होंने गाड़ी वहां पर हमसे ले ली और बोले कि अपना अंदर एक पेपर आप बनवा लीजिए। तो हमने अंदर जाकर के जब पेपर उन्होंने
लोगों ने गाड़ी को चेक किया पहले कि कितनी चल गई है, क्या है, पूरा एक सिस्टम पे चेक करते हैं वो क्या क्या कब सर्विस हुई थी इसकी और क्या क्या इसमें हो रखा है। तो उन्होंने जब वो चेक करने के बाद एक पेपर पे पूरा एक लिस्ट उन्होंने बना करके और हमें दिखाई कि अब आपकी गाड़ी में देखिए ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो कुल मिलाकर के जब उन्होंने एस्टीमेट उसका बनाया तो वो लगभग 13,000-13,500 रुपए का एस्टीमेट उन्होंने बना दिया। तो देखिए वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, वो एक एस्टीमेट कॉस्ट होती है। एस्टीमेट उससे क्या है कि वो ज्यादा ही करके लगाते हैं, वो कम हो जाती है जब आप पार्ट्स डालोगे तो वो एक एवरेज लगा लेते हैं सबका। तो अब हम तो 13,000-13,500 रुपए हमने देखे तो हमें ऐसा लगा कि गाड़ी तो मतलब ऐसी कंडीशन में भी नहीं है गाड़ी के इतना ज्यादा इसमें खर्च आए। लेकिन जब हमने सारी चीजें उनकी चेक की तो देखिए वो इतना मोटा मोटा खर्च उसमें लगा देते हैं, जैसे कि जो चीज नहीं भी होनी होती है वो भी वो उसमें लिख देते हैं कि जब इसे खोल करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सही है या गलत है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है जो भी है। अब ये इसमें क्या हुआ था इसका एक्सपीरियंस मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में, पहले मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या होता है। तो जब वो पूरा पेपर उन्होंने बना करके और वो दे देते हैं, गाड़ी चली जाती है सर्विसिंग के लिए। तो गाड़ी जैसे ऊपर चली गई वहां पर सर्विसिंग के लिए और उन्होंने जो जो उस लिस्ट में होता है वो सब वो चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर गाड़ी जब वहां से आ जाती है तो आपको वॉशिंग के बाद गाड़ी दे देते हैं और आप उसने पेमेंट कर दो जितना भी आपका बना। तो फिर वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है और जो ऊपर से कॉस्ट आती है कि पार्ट्स कौन से पड़े और लेबर चार्ज क्या है, तो ये एक प्रोसेस है। अब मैं बता दूं अपनी जो मेरे साथ हुआ, तो देखिए सबसे पहले जब हम पेपर बनवाने के लिए बैठे तो उसमें क्या था कि जो उन्होंने एस्टिमेटेड जो सामान लिखे थे उसमें, तो देखिए कुछ सामान तो ऐसे थे जैसे वो हमें ये समझ रहे थे कि ये कुछ जानते नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, उसमें जब वो पेट्रोल की गाड़ी है तो उसके अंदर उन्होंने इंजेक्टर लिख रखे थे और जिनकी कीमत जो है वो लगभग उन्होंने 1200-1300 रुपए के करीब में इंजेक्टर का लगा रखा था। हमने वो चीज उनकी पकड़ ली, हमने उनको बोला कि ऐसा आपने इंजेक्टर इसमें लगाए हैं, इंजेक्टर तो पेट्रोल गाड़ी में होते नहीं है, वो तो डीजल गाड़ी के अंदर होते हैं इंजेक्टर, इसमें तो थ्रोटल बॉडी होती है, खाली एयर जो जाती है जैसे कार्बोरेटर बाइक में होता है ऐसी इसमें थ्रोटल बॉडी होती है। तो अब वो जब ऐसा कहा तो वो थोड़ा सा घूमे, बोले ठीक है हम इसे काट कट कर देंगे। तो वो फिर उन्होंने हमने उनसे कट कराया। तो मतलब इस तरह से कुछ चीजें उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा लगा रखी थी, तो जिसे हमने कट कराने के बाद में वो लगभग 8,500-9,000 रुपए के करीब में जो है उनका एस्टिमेटेड प्राइस हमने रहने दिया। अब जब हम वो पेपर हमारा चला गया, गाड़ी हमारी ऊपर चली गई, जब हम वहां पर, अब देखिए मोस्टली क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप खुद भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा बकायदे आपके लिए कॉफी आएगी और सोफे पर आप बैठे रहेंगे और कैमरे में देखते रहेंगे क्या क्या हो रहा है, आपको गाड़ी के पास नहीं जाने देते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, गाड़ी के पास आप जाएं और देखें क्या क्या चीज इसके अंदर हो रही है। तो हमने क्या किया कि मैं तो वहां पर नहीं बैठा, हम लोग ऊपर चले गए, हमने जाकर के देखा और हमने उनसे बात की। तो अब वो बार बार उन्होंने क्या था कि शोकर के जो गुटके होते हैं वो रबड़ के लगे हुए होते हैं, शोकर जिसमें बॉडी में फिट रहते हैं, ऊपर से देखा होगा आपने रबड़ ढकी हुई रहती है, बोल्ट होता है उसमें, तो उसमें गुटके होते हैं। तो वो गुटके कई सौ रुपए के गुटके थे, लगभग 2,500-2,500 रुपए के गुटके उन्होंने बोले थे। तो अब उन गुटकों को उन्होंने खोल रखा था, जब हम गए ऊपर तो उन्होंने खोल रखा था। अब वो बार बार हमसे यही कह रहे थे कि ये गुटके आपके खराब हो गए, ये चेंज होंगे। अब जब मैंने गुटके देखे तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि उनमें खराब था, बोले ये बैठ जाते हैं, आपको देखने में पता नहीं लगेगा ये बैठ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जब ये बैठ जाएंगे तो क्या होगा कि जो शोकर उसमें फिट होगा बोल्ट से, तो जब बैठेंगे तो वो लूजिंग हो जाएगा, और जब लूज होगा तो वो हिल हिल के कहीं ना कहीं तो निशान पड़ेगा उनका, क्योंकि वो लूज चला है, खटखट की आवाज भी करेंगे, गाड़ी कहीं से आवाज नहीं कर रही खटखट की, और कहीं निशान भी नहीं है गुटकों पर भी और किसी शोकर में भी। तो मेरे दिमाग में आई कि ये मतलब चूना लगा रहे हैं। तो अब मैंने क्या है, मैंने गुटके देख करके मैं बोला कि ऐसा मैं नेक्स्ट टाइम इसको चेंज करा दूंगा, आप अभी फिलहाल इन गुटकों को लगा दीजिए। तो उन्होंने क्या है कि वही गुटके, बोले ठीक है आप अगली बार करा लीजिए। तो उन्होंने वही गुटके उसमें लगा दिए। अब देखिए लगाने के बाद बाकी और जो सर्विसिंग है वो उन्होंने की, पहियों की जो बैलेंसिंग वगैरह अलाइनमेंट वगैरह वो उन्होंने सब किया। तो गाड़ी फिर तैयार होने के बाद और जब वो कर रहे थे तो मैंने जो मैकेनिक वहां पर होते हैं मैंने उनसे पूछा कि भाई जरा ये बताओ, थोड़ा सा उनसे ताल्लुकात मेरे हो गए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये गुटके खराब थे, तो बोले नहीं गुटके चल जाएंगे और आपके काफी टाइम चलेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। तो देखिए यहां आपको अवेयर रहने की जरूरत है, अगर आप नीचे सोफे पे बैठे रहोगे और स्क्रीन पर देखते रहोगे तो समझ जाइए कि चूना लग जाएगा, आपको वो गुटके बदलने पड़ते अगर मैं नीचे होता तो। तो देखिए ये चीज तो इससे आप अवेयर रहे, प्लस आप अब जब वहां से नीचे आने के बाद जब गाड़ी तैयार होकर के वहां से आ गई, तो होता क्या है कि नीचे जब बिलिंग होती है तो बिलिंग में भी बहुत चक्कर
चक्कर है। अब देखिए होगा क्या कि जैसे आपने देखा होगा पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स के जो प्राइस है प्रिंटेड वो तो वो लगाते ही है, वो तो जो आपके पार्ट्स डले हैं मोबिल ऑयल है, जो भी फिल्टर है या जो भी एयर क्लीनर वगैरह है, वो फिल्टर सारे उसके पार्ट्स तो लगेंगे। लेकिन जब लेबर चार्ज की बात आती है तो लेबर चार्ज में आपके साथ बहुत बड़ी धांधलीबाजी हो जाती है। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, एक लेबर चार्ज का एक चीज और जोड़ रखी थी, पता नहीं कौन सी क्लीनिंग थी वो, तो वो जब मैं नीचे आया तो बिल फिर 13,000 रुपए बन के आ गया। अब ये समझ में नहीं आया वो 13,000 कैसे बना, तो मैं अब आपको देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो पहले जो पार्ट्स का बिल है वो देखिए और लेबर चार्ज का जो बिल है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो स्क्रीन पर आप प्राइस देख रहे होंगे ये बिना जीएसटी के हैं, बाद में इसमें फिर टोटल करने के बाद जीएसटी लगेगी। तो जैसे कि फिल्टर असेंबली ऑयल, तो इसके जो प्राइस इन्होंने लगाए हैं वो 80 रुपए 50 पैसे का लगाया है। गैस्केट लगाया इन्होंने 7 रुपए 62 पैसे का, और क्लिप 6 रुपए 25 पैसे की, और एक ऑयल ड्रेन प्लग होता है जो वो नीचे जो बोल्ट रहता है उसे चेंज करते हैं ये, तो वो इन्होंने लगाया लगभग 67-68 रुपए का। एयर क्लीनर का जो फिल्टर है वो इन्होंने लगाया 250 रुपए का, और बिल बैलेंसिंग में जो वेट लगे वो 171 रुपए के इन्होंने वेट लगाए हैं, जो इन्होंने कहा कि 10 ग्राम वेट इसमें लग गया। और डिस्क ब्रेक के पैड पड़े हैं उसका सेट जो है वो 1660 रुपए का लगाया, और स्लाइडिंग पिन सेट जो है वो 432 रुपए का लगाया, जो डिस्क ब्रेक में स्लाइडिंग करने के लिए होता है वो पिन चेंज हुई, और 31 रुपए के कोई पैड होते हैं इनमें वो लगाए, और कहीं कुछ चिपकाया होगा तो उसके भी प्राइस इन्होंने लगाए हैं 7 रुपए 80 पैसे, प्लस बैटरी में डिस्टिल वाटर पड़ा 31 रुपए का। स्क्रीन वॉश के लिए जो पाउच आते हैं वो 57 रुपए 60 पैसे का इन्होंने लगाया, और मोबिल ऑयल के 1342 रुपए इन्होंने इसमें लगाए। तो देखिए टोटल पार्ट्स का जो अमाउंट बना वो 4202 रुपए 4202 रुपए बने, फिर उस पर CGST SGST 14% की और 9% की लगाई। 14% वाली 275 रुपए की दो जगह लगी, और 9% वाली 201 रुपए दो जगह लगी, तो टोटल कुल मिलाकर के 5155 रुपए पार्ट्स के बने। तो ये तो सिर्फ पार्ट्स के प्राइस थे। अब इन्होंने जो बाकी के पैसे इन्होंने लगाए थे, जैसे कि जो 13,000 कुछ का बिल था तो उसमें 8,000 रुपए का लेबर चार्ज था, और लेबर चार्ज में क्या क्या था कि पता नहीं क्या क्या क्लीनिंग उसमें लिख रखी थी, कोई 1600 रुपए की कोई 1200 रुपए की। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे सामने गाड़ी ऊपर तैयार हुई है और कोई भी ऐसी क्लीनिंग उन्होंने नहीं की है जो इसमें आपने जोड़ रखी है। जब जैसे ही उनको बोला तो बोले अच्छा चलिए ये गलत है इसे काट देंगे, तो वो काट दी। तो वो काटने के बाद भी फिर दूसरा अमाउंट निकल कर के आया, तो फिर बिल जो है वो लगभग 9,500 रुपए के करीब में बना। फिर एक चीज और थी उसमें, फिर एक और इन्होंने क्लीनिंग का वो दिखाया था, तो मैंने कहा ये भी नहीं हुआ मेरे सामने, ये भी आपने गलत लगाया, तो उसे भी कट कर दिया। तो फिर कुल मिलाकर के अब बात आई कि व्हील बैलेंसिंग में और उसमें आपको डिस्काउंट तो देंगे, तो मैंने कहा 50-50% उसमें डिस्काउंट था और लेबर चार्ज में भी डिस्काउंट था 30% का। तो मैंने कहा कि 30% के बजाय उसे और ज्यादा करिए, तो वो उसमें नहीं माने। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपने जैसे अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो लेबर चार्ज ये 1695 रुपए इन्होंने लगाया है, और एक आप देख रहे होंगे मल्टी वाल्व गैस टैंक क्लीनिंग, ये 1050 रुपए का लगाया इन्होंने। डोर ग्लास एडजस्ट और लुब्रिकेट करना, मतलब उन्हें दरवाजे रुवाए, 390 रुपए का चार्ज उसका है लेबर का, और व्हील अलाइनमेंट 400 और डायनेमिक बैलेंसिंग 400। तो ये टोटल अमाउंट इन्होंने जोड़ा। तो मैंने इनको एक बात चीज ये बोली कि भाई ये बताइए कि जब 1695 लेबर चार्ज लगता तो ये अलग से ये गैस टैंक क्लीनिंग और ये सब क्या है। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा है, हम जैसे एक नॉर्मल सर्विसिंग जो होती है, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ सर्विसिंग के लिए लाए, मोबिल ऑयल चेंज होना है, एयर फिल्टर देखना है या वो, तो एक नॉर्मल सी जो सर्विस होती है छोटी, जो जैसे आपने देखा होगा फ्री सर्विस होती है नई गाड़ी के साथ, तो वो लेबर चार्ज वो है जो 1695 रुपए है। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ खुलता है, जैसे मान लीजिए शोकर खुले थे वो देखे या कुछ और चीज है, तो फिर उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात हो गई कि हम तो ये समझ रहे थे कि 1695 ही हमें बस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, बाकी हमारे पार्ट्स के लगेंगे, मगर ऐसा नहीं है। इसीलिए पेड सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर में महंगी पड़ती है, वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि वहां पर वो हर चीज को, जो भी आपकी गाड़ी की जितने ज्यादा किलोमीटर चल जाएगी वो चीजों को खोलेंगे और फिर उसका चार्ज लगाएंगे, और कुछ अननेसेसरी भी चार्ज लगा देते हैं, जैसे मैंने कुछ कटवाए इसमें जैसे आपको बताया। तो देखिए टोटल अमाउंट जो इनका बना वो 3,935 रुपए टोटल अमाउंट बना, फिर उसमें हमें 908 रुपए का डिस्काउंट इन्होंने लेबर चार्ज में दे दिया, बिल बैलेंसिंग में और अलाइनमेंट में हमें 908 रुपए लेबर चार्ज में ये सब हमें डिस्काउंट उन्होंने दिया, फिर उस पे जीएसटी लगी। अब देखिए लेबर चार्ज में भी जीएसटी लगती है 18% की, तो वो जीएसटी लगा करके टोटल जो लेबर चार्ज बैठा वो 3,571 रुपए बैठा, मतलब
अब देखिए 5000 का सामान और 3500 रुपए का लेबर चार्ज, तो बस ये होता ऑथराइज सर्विस सेंटर में आपको सर्विस पेड सर्विस जब कराते हैं तो ये फर्क होता है आप बाहर कराएं। बस होता क्या है कि एक ऑथेंटिसिटी होती है, जैसे अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, वो जरा अच्छे से हो जाती है, बस ये चीज होती है। तो अब इसका मैं एक सोल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए ये जो हुआ ये तो ठीक है, जो भी गया वो तो कराना ही था, लेकिन एक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं इसमें बताऊंगा कि देखिए जब आप जाएं तो आपकी गाड़ी जैसे ही वो देख करके जब वो पूरा एक अप्रोक्सीमेट जो वो बनाते हैं पेपर, तो उस पे चीजें कम से कम करा दें आप। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है कि आप उसे कम करा दें, बस एक नॉर्मल सी सर्विस उसमें रखें जब वो एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाते हैं, और वो नॉर्मल सी रख के फिर आप जब वो पेपर आपकी गाड़ी के साथ ऊपर चला जाए तो आप वहां पर जाकर के और जो भी भाई आपकी गाड़ी कर रहे हैं उन भाई से आप जाकर के बात करके और जो भी चीज है वो खुलवा लें अपने सामने खुलवा करके और उसे देख लें। अगर आपको लगता है कि ये चीज चेंज होने की है तो वो चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं होने की है तो उसे ऐसी बंद करा दें और वो चीज नीचे शो ना करें। ये एक पर्सनल चीज है, वो नीचे शो ना करें, उन भाई से अपना जो भी सेट है वो कर लें। और उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको ना तो लेबर चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि लेबर चार्ज जितना नीचे लगता है उससे कम आप थोड़े बहुत पैसे दे करके वो काम करा लें, और पार्ट्स के सामान जो है अगर बदला जाएगा तो फिर आपको थोड़ा लेबर चार्ज देना पड़ेगा नीचे, क्योंकि उन्हें पता है कि पार्ट्स बदला गया। और अगर पार्ट्स नहीं बदला गया अननेसेसरी तो फिर आपको पता लग जाएगा, आप वहीं पर थोड़े से पैसों में आपका काम हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है पेड सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराने की। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।